सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं BHEL के बारे में, जिसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। तो गाइस, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और काफ़ी जीरो से ऊपर की ओर गया है, तो स्टॉक आने वाले टाइम में भी काफ़ी तगड़े रिटर्न देगा ही देगा। और अगर आप, मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, मैंने कल ही इस पे ऊपर वीडियो बनाया था, परसों की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें मैंने बोला था कि ये 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो मैंने उसके बारे में भी डिस्कस किया था और मैंने बिल्कुल चार्ट पैटर्न के हिसाब से ही आपको समझाया था कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बात कर रहे हैं BHEL स्टॉक के बारे में, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो इसे मिल ही रहे हैं, उनकी बदौलत इसमें काफ़ी बड़ा मोमेंट ऊपर की ओर दिखाई तो दे ही रहा है। और साथ ही अगर करंट प्राइस की अगर बात कर ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 74.90 रुपये का स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है, जो कि भी अच्छी बात है गाइस। और वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.55 रुपये तक ये स्टॉक बढ़ गया है, और वही अगर बात की जाए 0.74% की स्पीड से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। वही गाइस, आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली कि 1 मंथ के पैटर्न पर अगर देखा जाए, 1 मंथ चार्ट के हिसाब से, तो कितना स्टॉक ने रिटर्न दिया है। तो आप यहीं पर देख सकते हो कि 20 रुपये ऑलरेडी स्टॉक बढ़ गया है, 20.85 रुपये तक स्टॉक बढ़ गया हो, रिटर्न कितने हैं आप देख सकते हो, 38.58% की तेज़ी के साथ रिटर्न्स दे रहा है। तो आप देख ही सकते हो स्टॉक कितना क्वालिटी वाला है। और गाइस, अब बात करते हैं कि 6 मंथ के हिसाब से क्या कुछ चल रहा है। 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो 30.85 रुपये स्टॉक के मूवमेंट है, और 70% की तेज़ी के साथ स्टॉक बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका हाई था, और उसी हाई को ये ब्रेक करने की तैयारी में है। अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो और भी अच्छे मोमेंट इसमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर की ओर। तो गाइस, रेडी रहना है, क्योंकि यहाँ पर मैं भी चार्ट तो नहीं समझा सकता, बट यहाँ पर आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पर भी ये उसे ब्रेक करने की तैयारी में। अगर इस लेवल को यहाँ पर एक कहीं पर भी ब्रेक कर देता है, तो रिटर्न काफ़ी तगड़े बन सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा आपका बन सकता है। तो बिल्कुल आप रेडी रहिए, क्योंकि तगड़े रिटर्न इस स्टॉक में बनते हुए आपको नज़र आ सकता है। तो गाइस, आगे बढ़ते हुए और बात कर लेते कि क्या कुछ आज स्टॉक में हो रहा है। तो लाइव मार्केट में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 74.90 का इसका आज ओपन हुआ था, और 75.65 का हाई भी लगाया है, और 74.30 का इसने लो लगाया है। और वही का इस मार्केट कैप की अगर मैं बात कर लूँ, तो मार्केट कैप भी हम देख ले गए, तो मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो 26.10 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है और एक मिड कैप स्टॉक बन जाता है मार्केट कैप के हिसाब से भी देखा जाए, क्योंकि मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है 26.10 करोड़ का, जो कि इसे मिड कैप शेयर बना देता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसका हाई है। तो यहाँ पर आप क्लियरली आप देख सकते हो 80.52 रुपये में बात करो, 80.35 रुपये है, और यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि ये यहाँ पर वही हाई है, 80 रुपये तक का हाई है, और उसी की ओर ये बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये 80 रुपये तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 80.35 रुपये तक तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उससे भी ज़्यादा अगर 80.35 रुपये के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर और भी तगड़े रिटर्न आपको बनते हुए देख सकते हैं आने वाले टाइम में। लो की अगर बात कर ले गाइस, तो 26.95 रुपये का लो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। गाइस, अब बात करते हैं कि क्या कुछ इसमें रेजिस्टेंस लेवल्स है और क्या कुछ सपोर्ट लेवल है। और बात करेंगे हम पहले रेजिस्टेंस लेवल के बारे में, तो रेजिस्टेंस लेवल को हम देख लेते हैं। तो गाइस, बात कर लेते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको यहाँ पर दिख जाएगा 76.70 रुपये का, और जो सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है वो भी आपको दिख जाएगा 79.5 पैसे के आसपास, 0.5 पैसे के आसपास का है। और जो थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है, तो काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने हाई बताया मैंने 80.35 रुपये का, और यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल वही है, आज के दिन का ये टारगेट हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो कॉल आती है वो डे के लिए ही होता है। तो 80.40 रुपये के आसपास है, और वहाँ पर हाई था इसका 80.35 रुपये के हिसाब से था। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी काफ़ी कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हुए नज़र आ सकते हैं।
गाइस डिस्कस करेंगे सपोर्ट लेवल के बारे में। तो 73 रुपये का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ तो 71 रुपये 65 पैसे का है, और जो थर्ड सपोर्ट लेवल है वो है 69 रुपये 30 पैसे के आसपास। तो सपोर्ट लेवल भी हमने देख लिए हैं, और प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में अगर डिस्कस कर ले गाइस, तो प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर्स का देख लेते हैं। पहले 3 ईयर्स का अगर देखा जाए तो 1.15% है, तो यहाँ पर कम था, 1.15% तक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। 1 ईयर का अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 175.74% का यहाँ पर तेज़ी आ गई थी, और कुछ ही सालों में इसने रिकवर कर लिया। और ईयर एंड हाफ का देखा जाए तो 108 का है, और वही 3 मंथ्स का अगर देखा जाएगा 13.81% के आसपास का प्राइस परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। वही अगर 1 मंथ की मैं बात करूँ 32.63% के आसपास बढ़त है, और 1 वीक की ही बात कर ले तो 1 वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा गाइस कितना बढ़ गया है। लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो 12.36 के आसपास बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ ट्रेड वैल्यू है, ट्रेड वैल्यू भी इम्पोर्टेंट होता है। तो 1 मंथ का देखेंगे पहले, 8 करोड़ के समथिंग का यहाँ पर ट्रेड वैल्यू है, 2 करोड़ के समथिंग की कॉम्बिनेंट डिलीवरी। और ये अगर देखा जाए यहाँ पर 1 वीक का, 1 वीक का एवरेज अगर देखे तो 15 करोड़ के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है, 3 करोड़ के समथिंग का यहाँ पर कॉम्बिनेंट डिलीवरी है। और एस्टरडे की बात कर ले तो 7 करोड़ के समथिंग का यहाँ पर ट्रेड वैल्यू है, 2 करोड़ के समथिंग की कॉम्बिनेंट डिलीवरी। और आज की बात करें तो अभी तक 12 भी नहीं बजी है गाइस, और 2 करोड़ के समथिंग का यहाँ पर ट्रेड वैल्यू आ गया है। वही गाइस अब बात करते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से क्या कुछ है यहाँ पर। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हम नज़र आ रहे हैं, और वही मैंने बताया कि प्रीवियस वीडियो में बताया था तब भी यही था और अभी भी यही है कि 88% जो लोग है गाइस, 88% जो लोग हैं वो यहाँ पर बाय कॉल उनकी ओर से दिया जा रहा है। बिल्कुल आप बाय करो, बिल्कुल फ्री हो के आप बाय कर सकते हो, क्योंकि 88% तक बाइंग अगर कह रहे हैं, और स्टॉक का मोमेंटम भी है, ब्रेकआउट भी है, तो बाइंग के लिए ही कहे गए। और जो 4% लोग हैं, 4% जो लोग हैं वो कह रहे हैं सेल करने के लिए, सेल करने के लिए कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेल कर सकते हो। और सिर्फ 8% जो लोग हैं वो कह रहे हैं होल्ड के लिए, आप बिल्कुल स्टॉक को होल्ड रखिए, काफ़ी तगड़े रिटर्न बनेंगे। और मेरा भी ओपिनियन यही है, एज अ सजेस्ट मैं कर रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन यही है कि आप होल्ड रखो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर होल्ड रखते हो तो तगड़े रिटर्न बनने वाले हैं, या सिर्फ 1 महीने के लिए भी होल्ड रखते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट बनते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि 88% तक बाइंग, 4% तक सेलिंग, और 8% तक ही होल्डिंग है। और गाइस रेवेन्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रेवेन्यूज़ हम देख लेते हैं। तो 2017 से लेके 2021 तक के रेवेन्यू हम डिस्कस कर लेंगे। तो 2017 में 28,477 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वही 2018 में 28,940 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वही 2019 में 30,441 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ गाइस कि 2017 से 2019 तक काफ़ी सिमिलर रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2020 में डाउन आ गया था कोविड के कारण, और काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स थे इनके बंद करने पड़े थे, और 21,463 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था। और 2021 में 17,308 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 2020 में 21,000 और 2021 में 17,000, तो ये भी एक बात है। और नेट प्रॉफिट भी अगर देखा जाए 2017 से लेकर 2018 तक काफ़ी अच्छा चल रहा था, 2017 में 478 करोड़ था, 2018 में 828 करोड़ था, 2019 में 1,188 करोड़ था, वही 2020 में डाउन आ गया -1,494 करोड़, और 2021 में और माइनस आ गया लगभग -2,743 करोड़। तो ये भी एक बात है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ होल्डिंग्स है। तो होल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है 63.17% के आसपास की है, और जो FII की होल्डिंग है, FII की होल्डिंग में अगर बताऊँ तो 4.31% है, और जो DII की होल्डिंग है 13.74% है, और जो पब्लिक होल्डिंग है 18.79% है। तो गाइस स्टॉक काफ़ी क्वालिटी वाला है, क्योंकि होल्डिंग में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग टॉप पर दिख जाएगी 63.70% के आसपास की होल्डिंग, और DII की होल्डिंग में है LIC की होल्डिंग 10.89%। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल खरीद सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।